আজ কলকাতা 4 নম্বর ওয়ার্ডে জাহানগর রোড এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই মহামারী করোনা নিয়ে একটি সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হয়। এই সময় প্রায় হাজারখানেক মানুষকে মাস্ক ও স্যানিটাইজার দেওয়া হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ফাউন্ডার প্রাক্তন আইএএস অফিসার জাহিদ মাহমুদ, মোহাম্মদ মুমতাজ মাস্টার, মোহাম্মদ উকিল সহ অন্যান্যরা। এই সময় ওনারা বলেন, শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্যই এই সংগঠন। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে আগামী দিনেও ওনারা এই করোনা সচেতন নিয়েও মানুষের পাশে থাকবেন। क्या करते हैं? क्लास 12 दी है। रिजल्ट आ गया, क्या गोल है आपका, क्या बनना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। माशाल्लाह, किस लिए बनना चाहते हैं? अपनी कॉम की मदद करने के लिए, बाद में पढ़ के दूसरों को पढ़ाएं। ख्याल रखिएगा कि अल्लाह ने आपको एक मर्द बनाया है, खूबसूरत बनाया है, अच्छे फैमिली में पैदा किया है, बहुत अच्छी एजुकेशन आपको अल्लाह ने दिया। ये सब सारी चीज़ों का आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आपका अकीदा है कि हमें मर के अल्लाह के सामने जवाब देना है, आज के मैदान में खड़ा होना है, अकीदा है, तो अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी ज़ात से बेहतरी होनी चाहिए। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, हम लोग दुआ करेंगे कि आप, हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए। उससे इस तरह से आप काम कीजिएगा कि इंसानियत की फलाह व बहबूदी। पैसा कमाना टारगेट नहीं होना चाहिए, पैसा ज़रूरी है सर्वाइवल, लेकिन ऐसा लालच तो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और कुरान की एक आयत है, आप ये मत समझिए कि यूं ही पैदा हो गए और मेरा काम पैसा कमाना है। कुरान की ये आयत है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अब्सा। अल्लाह ताला बंदे से कहता है, क्या सोच लिया कि मैंने यूं ही तुम्हें पैदा कर दिया है? वानकुम इलैना तुर जाऊँ, और तुम मेरे तरफ वापस नहीं लौटाए जाओगे। यानी कि सीधी वार्निंग है, इससे बड़ी धमकी कहीं नहीं है पूरे यूनिवर्स में कि मैंने तुम्हें भेजा है और तुम मेरे तरफ वापस लौटाए जाओगे। और उसमें यह है कि तुम्हारे कारनामों का हिसाब मैं लूँगा कि तुमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। तो इस बात को ख्याल रखिए, अपनी ज़ात से इंसानियत की फलाह बहबूद होनी चाहिए, और आपका यह अकीदा है। और आज से जब पढ़िएगा तो ये सोचिए कि मुझे बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज़रा से भी कोताही नहीं होनी चाहिए, पूरी ताकत लगाइए, चार्टर्ड अकाउंट बनिए और लोगों को, आवाम को समझाइए कि कैसे कंपनी, नई नई कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है और कैसे, कहाँ से फंडिंग आएगी और कैसे बेहतरीन तरीके से कंपनी को सक्सेसफुल बनाया जा सके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। एक और आयत है आले इमरान, वमल्ला युरीदो ज़ुल्मन लिल आलमीन, अल्लाह ताला को बंदों पे, जहाँ वालों पे, इस दुनिया में रहने वालों पे जुल्म पसंद नहीं। हम लोग इस दुनिया में हैं तो हमसे दुनिया के बारे में बखातिर करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जुल्म को रोक सके अपने वजूद से। शुक्रिया, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं ईशान साहब। शुक्रिया कि अल्लाह ने हम लोगों को इतनी कुव्वत दी है और ख्याल दिया है कि हम लोग समाज के लिए, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करें। पहली चीज़ है, कोविड है और कोविड एक वबाई मर्ज़ है, छूत छात वाली, तो कंटेजियस है। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि क्या करना है और कितने दूर रहना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त जो है गरीबों के पास खाने का कोई सामान नहीं है, क्योंकि ये पिछले 4 महीने से टोटल लॉकडाउन है और अनप्लान्ड है, तो जिसके वजह से गरीब भूखे मर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो कुछ मिलता भी है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब मजदूर गांव से आए हुए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, उनको हम लोग मदद कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है बेवा यतीमों पर, यानी कि विधवा और अनाथ पे, वीडो ऑर्फेंस पे। यहाँ बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम है, इनके पास खाने पीने को नहीं है, तो हम लोगों को कुछ सुनगुन मिला है कि इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, तो हम लोग मुआशरे में उतरे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, स्पेशली बच्चियों को जो अनाथ है, कि तुम लोग पढ़ो। उनके लिए क्राउड फंडिंग भी जमा कर रहे हैं कि उनको पैसा दिया जा सके, उनको एडमिशन कराया जा सके, और उनको ट्यूशन भी हम लोग दे रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का। 1000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो मार्केट में उतरे तो उनको अच्छा काम मिले। उसके अलावा हम LLB के लिए प्रमोट कर रहे हैं,
कि LLB एक लीगल एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो मुआशरे में फैली हुई इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, ये सब चीज़ों के लिए वो खड़ा होता है, जस्टिस दिलाता है और इक्वालिटी को मुआशरे में ले आता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं, हर कोई IAS IPS नहीं हो सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो LLB ज़रूर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो चलेगी आगे, और ये LLB करने के बाद IAS IPS भी बना जा सकता है, और बहुत सारे फील्ड हैं, और कहीं नहीं मिला तो एडवोकेट बन के ज़रूर खड़े हो जाएंगे। एजुकेशन की तरफ ये दो चीज़ें हैं, एजुकेशन की अहमियत को बता रहे हैं, लड़कों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि PUBG और टाइम वेस्ट मत करो, हम टाइम मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं कि 30 साल के बाद उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, 20 साल के बाद क्या प्रॉब्लम होगा, 10 साल के बाद क्या प्रॉब्लम होगा, रिवर्स वर्ड में बनाते हैं, पहले 10 साल, फिर 20 साल, फिर 30 साल में क्या चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस जो आएंगे उनको कैसे काउंटर करना है, और इसमें तालीम की, एजुकेशन की क्या अहमियत है। हम लोग मीनिंगफुल एजुकेशन की तरफ ले जा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज गवर्नमेंट करा रही है, ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज जो फ्री में है या बहुत कम पैसे में है, ताकि वो तकरीबन 15,000 से 20,000 तक उनको सैलरी कहीं भी मिल सके। आपको जिस तरह रिस्पॉन्स अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लोग बहुत तेज़ी में जुड़ रहे हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने 2 घंटे का प्रोग्राम किया, 2 घंटे में 20 लड़के ज्वाइन किए हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए सिर्फ, और अभी इतना तेज़ी में बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे एक सरपरस्त हैं मुमताज़ भाई, हम लोगों को यहाँ 60 वार्ड में बुलाए हैं, और इनके आने से हम लोग यहाँ पे आए, इस तरह से और लोग आएंगे तो हम लोग हर जगह जाएंगे, तो इनके सरपरस्ती में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कोचिंग सेंटर वगैरह कहाँ पर? हमारा कोचिंग सेंटर एक राजा बाज़ार में खुला हुआ है, वहाँ हम पढ़ाते हैं, 84 APC रोड, 84 APC रोड। मैं बहुत सारे पुराने इदारों से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, उन सभी इदारों में मैं वो जज्बा नहीं पाया, लोगों के लिए काम करने के लिए वो जज्बा मैंने नहीं पाया। इसी असना में हमारे जाहिद भाई से मुलाकात हुई और वकील साहब से, सरफराज साहब से मुलाकात हुई, तो इन लोगों के जो प्रोग्रामिंग है उन प्रोग्रामिंग को देखकर मेरे अंदर ये हौसला पैदा हुआ कि मैं इन लोगों को पुशअप करूं, पुशअप करके इनके साथ मिलकर इनका जो एम्बिशन है खुसूसी तौर से एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो इनका प्रोग्राम है ये मुझे बड़ा पसंद आया, और कुछ काम भी इन लोगों का देखा, और बाकी गरीबों, यतीमों, बेवाओं का ये जो काम कर रहे हैं इससे उत्साहित होकर मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलकर इनके एम्बिशन को, इनके फ्यूचर प्रोग्राम में हमेशा इनके साथ शामिल रहूँगा। अल्लाह ने चाहा तो यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन को 100% कामयाबी मिलेगी। इस अदारे के साथ जुड़, देखिए जो बेसिक जो जहाँ के जैसे जाहिद भाई राजा बाज़ार से हैं, वो जितना बेहतर वो वहाँ काम कर पाएंगे, तो यहाँ मुझे, मैं अकेला भी हूँ, इस इलाके के और भी लोगों को इसमें मतलब शामिल करने की कोशिश करूँगा, यहाँ भी एक टीम बनाने, 60 वार्ड में एक अलग टीम बनाने की कोशिश करूँगा जो मिलजुल कर पूरे इलाके में काम कर सके, इन लोगों की जाहिद महमूद साहब की हिदायत के मुताबिक। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद वकील, सेक्रेटरी इन यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। मैं बीइंग एज अ कॉमन पीपल मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये देख रहे हैं, जितने हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे मेंबर हैं यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन के, पोस्ट होल्डर हैं, सीनियर लोग भी यहाँ पे, मैं वेस्ट बंगाल के तमाम आवाम से मैं मुखातिब हूँ कि जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन हम लोग का ये कारवां वार्ड नंबर 29 कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से स्टार्ट हुआ है, अब तक हम लोग वहाँ पे 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन लिया है, फ्री स्पोकन कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं, फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, फ्री कैरियर काउंसिलिंग। न सिर्फ हम लोग तालीमी मैदान में हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि लीगल अवेयरनेस के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ इशू के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि
इस जो लॉकडाउन जो फर्स्ट रहा है अनलॉक के बाद में पहला फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हेल्थ इशू से हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कातिल कोरोना से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये इल्म होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से हम लोग एहतियात करेंगे। जो अनमास्क पीपल हैं वो उन लोग को मास्क हम लोग देंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, कैसे और हम लोग एहतियात कर सकते हैं कि हम लोग इस कातिल कोरोना से हम लोग फ़ाइट कर पाएँ। मैं ना सिर्फ ये वार्ड नंबर 60 के आवाम से मुखातिब हूँ बल्कि तमाम वेस्ट बंगाल के तमाम लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि हमारा यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन ना सिर्फ एक वार्ड में बल्कि जो कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन मेजोरिटी वार्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, और ये हमारा जो है ये अवेयरनेस हो रहा है तालीम को लेके। दुनिया में वाहिद ये तालीम का ऐसा मरकज़ है या जिस चीज़ से हम लोग जुड़े हुए हैं, बगैर तालीम के हम लोग ज़िंदगी के किसी मकाम में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जब एक बच्चा जो है वो तालीम हासिल करने लगता है तो वो अंधेरे और उजाले में फ़र्क करने लगता है, उनको मालूम हो जाता है ये अंधेरे का रास्ता है, ये रोशनी वाली रास्ती है। जब तक हम लोग रोशनी से ख़बरदार नहीं होंगे ज़िंदगी के किसी मैदान में कोई काम नहीं कर सकते। मैं चाहूँगा कि हमारे जो फाउंडर हैं यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन के जनाब जाहिद महमूद साहब और साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब, ये इनकी मेहरबानी है कि हम लोग अलग अलग वार्ड में जाके हम लोग काम कर पा रहे हैं। और हमारे जितने मेंबर यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन के जितने मेंबर हैं सब इनकलाबी मेंबर हैं। हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, कहीं हमने नहीं सुना कि ये लोग अपने बगैर मुफाद के, बगैर कोई जाति जो है इंटरेस्ट का ये लोग काम कर रहे हैं। आज तकरीबन 3 घंटे से ये लोग आए हैं ये काम कर रहे हैं। मैं उनको इसी अंदाज में बात करना चाह रहा हूँ। दयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, दयारे शौक से एक आफ्ताब आया, उठो ए जिंदा दिलों के इनकलाब आया है, उठो ए जिंदा दिलों के इनकलाब आया है। वो इनकलाब जो उबला है सीनों में, वो इनकलाब जो उबला है सीनों में, वो आफ्ताब जो निकला है हक के जीनों में, वो आफ्ताब जो निकला है हक के जीनों में। मैं तमाम जालिमों को मुखातिब कर रहा हूँ जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये तख्त व ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, ये तख्त व ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, ये पर्दा जुल्मत को फाड़ डालेगा। इसी मकसद के तहत हम लोग चाहे वार्ड नंबर 60 हो या कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के दूसरे वार्ड हो, हम तमाम वार्ड में जी जान से हम लोग मेहनत करेंगे। और जो लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, चाहे 10 क्लास में ड्रॉप आउट हो चुके हैं, 12 क्लास में ड्रॉप आउट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन में ड्रॉप हो चुके हैं, हमारा जो एक सेंटर है जो हेड ऑफिस है 84 APC रोड कोलकाता 9 PS आमा स्ट्रीट, वहाँ हमारा एक सेंटर है जहाँ पे हज़ारों बच्चों का हम लोगों ने एडमिशन लिया है। अभी हम लोग जो जब मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अनमास्क पीपल को, तो आज ही हमारा पैगाम जाएगा कि जो लोग 10 क्लास में या 12 क्लास में हैं, जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाह रहे हैं, बेहतर करियर काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं या जो आना चाहते हैं, उनको ये हम पैगाम देंगे वार्ड नंबर 60। मैं ख़ास करके वार्ड नंबर 60 के आवाम से मैं मुखातिब हूँ कि आप लोग भी मेहरबानी करके आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन लोग को भी मोटिवेट करिए। जब तक हम लोग तालीम हासिल नहीं करेंगे ज़िंदगी किसी मकाम में, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।